no! Pagal ho jaunga main pagal. Chamaila pura dimag ka dahi ho gaya devare deva. Sala kaise samjha? Kaise rukta ya? Are kal wala diye re. साले जमाव तेरे पे अभी। Oh no! भैया भैया मेरे को भी। साले ऑटो रुकी वहाँ तू आके यहाँ गिर अब अब। जिंदगी में कम काटे हैं जो तू और गड़ रहा है। हाँ दे रहा हूँ जी। 50 रुपए दे पहले फट से। बांग। काय के पे? इसको देना है यार। कब दिया था तूने मेरे को? अरे अभी दे दे भैया इसके सामने बेइज्जती मत कर। गांव वाले गांव में आके बेइज्जती करता है। रहेंगे जब तो दूंगा। दे दे यार भैया प्लीज यार। कहाँ के पैसे दे तू पे? कुछ भी कर लूंगा भैया तेरे लिए दे दे यार इसको। अबे तो रहे तो ना। ओह नो। गेम लेना पड़ेगा। काय का? तेरे को ऑटो में आने की क्या जरूरत थी बे? बड़े बड़े ढींगे हाँ के आया हूँ रास्ते पर। अच्छा अभी चिल्लर नहीं है भैया के पास बोल कलवल ले लेना आके हवेली पे आ जाना ले लेना मेरे को लग रहा है मारेगा। अरे मैं हूं ना रे भैया चिल्लर नहीं है बोल रहे भैया के पास। अच्छा कल बरघाट में दे देना। हां हां जी इससे अच्छी कौन सी बात होगी तो ना। धन्यवाद धन्यवाद जी। अबे हो गया ना चले जाएगा वो उसको मालूम है रास्ता मालूम है यहीं से। अच्छा छोड़ने आया दिखा साले 5 रुपए नहीं है जेब में ऑटो बैठोगे साले। तेरे भाई की बड़ी इज्जत। अबे ओह नो जब निकला। अच्छा हाँ तुम्हारा मैंने रुक रुका। तुम तो बोले पांडर रहते हो ना। मैंने कहा आओ गोविंद मेरा नाम बताया होगा गोविंद वाला गांव। अरे मैं तो और सुने पटन टूटने वाली थी। हाउ जी कैसे पहचान ली मैंने कहा। अच्छा गोविंद के साथ बोले कई बार चाय पीते हम। मैंने कहा मेरे पान ठेले में पीते हो क्या जी बोल। अरे बोले नहीं कहीं भी मिल जाता बोले गोविंद गंगेर में बैठे थे एक दिन बोले। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। मैंने कहा तो लोहारा जा रहे हो क्या। तो बोले क्यों। मैंने कहा सामान छोड़ने। अच्छा तो बोले ऐसा जाऊंगा बोले लोहारा रैयतवाड़ी हरी और वहीं से गंगेरवा पांडेर। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। हाँ, पैसे तो थे नहीं अपने पास। ओह नो साले भिखारी मैंने कितने रुपए लगेंगे आने का साधन भी नहीं भैया। अच्छा बोले आपसी की बात है 50 रुपए दे दिए। मेरे को रास्ते भर याद एक काम करना पे तो रास्ते भर याद करते आ रहा था कि बड़ा भैया मिलेगा बड़ा भैया मिलेगा और मिल ही गया। तू भी बाकी क्यों बहुत तू तेरी लंबी उम्र तू जल्दी नहीं मरने वाला है। कईयों को मारूंगा। अरे यार बहुत टेंशन हो गई है मेरे को साली। oh, no! भाभी चले गई। अरे उसकी ऐसी उसकी तेरी साली भाग गई। अबे नहीं बे दोनों भाई भाग गए। अरे नहीं मंजिले ने भगा के ला दिया। नहीं बाबू नहीं पट गया। अबे नहीं तू पिट गया। अबे तो ओह नो भाभी ने मारी तेरे को। अरे यार मैं तेरे को मार दूंगा छोटे आप। तो हुआ क्या है भैया साले आगे बोल लेने तो भैया ही बोल ले। मुझसे निकल जाता क्या हुआ। अबे शादी में गया था जब से टेंशन हो गई है मेरे को। किसी ने कुछ बोल दिया था तेरे भाई को कौन क्या बोलेगा रे। अच्छा? तेरे को खाना खाने पक्का नहीं दिए होंगे। oh, no! अबे वहीं से तो लफड़ा हुआ बे। खाना नहीं दिए तेरे को। अरे यार पूरी सुन तो ले। अरे यार तू जाने बता के चल उधर बैठ बैठ बात कर ले। बाना कहीं का बताने जाओ पर सुनता ही नहीं। बाप रे ओह नो बता दे चले ही ले। अरे क्या खाक बता दे आ इधर बताता हूँ। पिंड को भिड़ गया एक तो। पूरी बात समझ में आ गई। कुछ तो गड़बड़ है बड़ा भैया। अच्छा नाचते नाचते में जरूर तेरे बड़तोल में किसी ने लात मार दिया। चल बे। ओह नो बांगा किधर के किधर आई। हाँ तो जरूर व्यवहार तूने 50 लिखाते लिखाते 500 निकाल दिया। बड़ा ही हेकड़े भैया तू सुने तूने जीते जीते 500 लिखा दिया। ओह नो अरे नहीं यार तो तेरे को सुनना है क्या। नहीं बता बता साला बोलने के पहले कुछ भी बोल देता है ना। बता 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 सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। बांगा कहीं का एक तो बताना तो बड़े झमके लग गए। किन्ने मार दिया। ओह नो तूने कम किया क्या वहाँ पे। साले ऑटो रुकी वो और आया धड़कड़ से मेरे पे। ओह नो मत बड़ा भैया 3 दिन से तो घर से बाहर था मैं तो मेरे को बता के गया था क्या। बता बता जल्दी बता। अरे वो शादी में रात को खाना खा रहे थे। अच्छा
तू जरूर सुने, रास्ते में लगा के चले गया होगा। भांगा कभी दारू पीते देखा है मेरे को क्या? तेरा भरोसा नहीं है? अरे तू जा ना तो मैं मार दूंगा तेरे को। अब खाना खाते खाते दूल्हे के बाप ने मना कर दिया क्या? अबे उन्हें बुलाए थे मेरे को शादी में, रुकवाए को मना करेंगे बे? भांगा कहीं का, और मैं तो लड़की की शादी में गया था ना। अरे तो दूल्हा भी तो आया होगा कि दूल्हे वाले नहीं आएंगे, लड़की अकेली कर दी होंगी शादी। अरे पर वो मेरे को मना करेगा जब ऑलरेडी कार्ड दिया था तो? ये बात तो है, बात पता चल गई, जरूर तेरी नजर किसी और पे होगी और तू पिट गया। अबे ये उम्र उस लायक की है क्या मेरी? उम्र कुछ नहीं होती, सब चलता है, बुढ़ापे में भी सब काम हो जाता है, समझे? अच्छा शर्म कर बे, शर्म कर, तेरे से 10 साल का बड़ा उम्र में मैं। 10 साल? और 10 साल बाद मेरे बाल बच्चे तेरे बराबर हो जाएंगे। बांगा। Oh no! पूरे बुद्धू गपला आदमी हो बे। ले बाल बच्चे कर तो ले। Oh no! अरे होएंगे ना यार। बता तो हुआ क्या है? अबे शादी, पहले पूरी बात सुन ले, बीच में टुंप मत मारना नहीं तो मैं ऐसा चप चपाऊंगा तेरे पे कि 3 दिन तक गाल से निशान नहीं जाएगा। ओह नो। बाजू वाले बैठे यहाँ नहीं करते बात, चल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बड़ा भैया, तू बताने रहेगा। अबे तो ढकल तक आई के लिए बे, चल दुकान चल, 10-5 का मामला बनाओ हमारा और उसके बाद चल। रहने दे, निकलना, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अबे तो मार बल, चला चला पूरा अच्छा है क्या रे, कब सुधरेगा तू? ओह नो भाई, ओ बाबा, देख रहे हो ये सब पिक्चरों का देख देख के हो रहा है? हाँ वो साउथ इंडियन मूवी है। तू भी ऐसा हो गया? अरे मेरे को तो तूने किया बे। और वो भी बे। ओह नो, चल दुकान चल, भांगा भोसड़ी की सीधा चलना बे, यहाँ मेरा वजन खुद को नहीं संभाल रहा है, वहाँ मेरे पे टांगे जा रहा है। अरे तो चलना, अरे बाप रे, ले फट से खेला, देना भाभी जो जो मांगेगी चुप तब देना है। हाँ। बड़ा भैया देगा पैसे, कौन ले रहा? इतना बड़ा राम किशन का स्वयं मालिक छे एकड़ का गोविंद। अबे उतना रहता महाजन। अबे जिस दिन महाजन बन जाऊंगा जब की जब है, पर तू अभी दुनिया भर के मत करे। तो बाप के बाद तेरे नंबर है ना, एक तो शरीर में दर्द दे दिया, शादी में 500 लिखाने हो गए। अबे नहीं लिखाया ना बे, तो तेरे को जब ही समझा रहा हूँ रे, ने पढ़ पढ़ दूंगा भी मैं। बताना तो क्या बात है, तो बाला कहीं का भाव खा रहा है तू यार, तेरे में दम है तो कुछ खिला के दिखा। चूहा मार क्यों के? नहीं खाया, खाएगा चूहा मार? ओह नो, बेहाव बोलते हो भाभी। हाँ तो ले बता, डरते हैं मेरे से? इतने डर रहे तो खिला दे कुछ, चूहा मार देना, बनाना 3 अंडे जी। ओह नो, बांगा सुन रहा है क्या? नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बता ही नहीं रहा, बता जल्दी बता। अबे शादी में गया था, लड़की का बाप मनमानी रो रहा था, उसको ही देख के मेरे को भी रुलाई आ रही है। अच्छा लड़की का बाप मनमानी? हाँ, वो काला काला ढूस दूल्हा, और लड़की देख लो क्या परी थी। लड़का कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं था? और काय में था तो? हम देख रहे प्राइवेट वाले, बुक तो तुम 3 साल से लड़की ढूंढ रहे। ओह नो, और 3 साल लगेंगे जब जुड़ेगी तेरी शादी। पांच, सुन तो पांच, सुन तो, दहेज स्प्लेंडर होना, अच्छा फ्रिज होना, गोदरेज होना, वाशिंग मशीन है। साला वो दूल्हे को डाले तो 10 बार भी वाशिंग मशीन से निकालेंगे तो साला चकाचक नहीं दिखने का। ओह नो, तेरे कलर का भी नहीं? अबे मैं तो श्याम वर्ण हूँ। ऊपर वाला ना खूबसूरती दे। और मैंने कहा उसको लड़की के बाप को, हाजी दहेज वहेज मत दो, मैंने कहा वो तो पैसे वाला आदमी ने, उसको कहेगी दहेज की जरूरत? हाँ। नहीं कहा, डिमांड है क्या? नौकरी वाला लड़का हमारा, ऐसे करके डिमांड का साला, ये दहेज प्रथा कब बंद होगी रे? बैल बांध दे और गोबर फेंक दियो। अच्छा बेटा सरक तो तेरा भाई तो किरदार में घुस गया, मेरे को लग रहा 3-4 पिक्चर इकट्ठे देख लिए बड़े भैया ने। अरे इससे अलग पका हूँ यार, क्या बताऊँ। इधर आ रे, अरे फेंकना उधर, अरे छोटा भाई, अबे बांगा ला बता जल्दी बता। अच्छा बांगा मेरे को बोल रहा था? अरे कहाँ थे अपन, रुके थे। हाँ वो दहेज के लिए मना किया। हाँ बोलने लगा ऐसा ऐसा कह रहा है नौकरी। अरे पैसे है ना बे, 10-20 भैया मैं सुनने तैयार हूँ, तू बता। अबे देख, मैं जब छोटा था ना, जब इतना नहीं चलता था। अरे अरे तो बताना, तो मैं सुन तो रहा हूँ, लचका दूंगा मैं। बता 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 फिर।
छोटा था इतना सुनता था। हाँ अभी तो मनमानी यहाँ देखो वहाँ मनमानी लड़की को पढ़ा लेते हैं, कई जगह लड़के अट्ठाई मिल जाते हैं। कंपनी में हूँ कहते हैं। अगर भैया तू तो ओल्ड जमाने का है ना, पुराने जमाने का। हाँ। पहले कैसा होता तेरे को तो पूरी बात। अरे बड़े नियम दस्तूरों से शादी ब्याह होते थे, एक एक करके बात। और बाप जाता था देख, सबसे पहले बाप जाए। देना जी। अबे तो बताना, तो मैं सुन रहा हूँ तेरी दास्तान। जैसे तेरी शादी करना है ना। हाँ। मैं जा रहा हूँ, बता 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 बता। हाँ बता। तो तेरा बाबू जाता तो खुद ही लड़की पसंद करके आ जाता। अच्छा, तेरे को जाने की जरूरत ही नहीं। पहले ऐसा चलता था। हाँ, ना तो ऐसा करके हाथ रखा। और जितना है अपनी अपनी औकात के हिसाब से उत्ता देते थे। अभी तो साला दहेज होना फुल। और खाना तो देख, जब हम लोग छोटे छोटे थे जब पंगत बैठती थी पतराली बिछाते थे, ऐसा पट्टी बिछा के। तीन चार बार मैंने भी खाया पतराली। हाँ ना, देखो मैंने। इधर इधर हाथ रख। अबे तो भूलना तो। हाँ, और बढ़िया खाने के पहले अगरबत्ती लगाते थे। अगरबत्ती। तेरे हाथ कहाँ लग रहे हैं अभी? अरे चीज को पकड़ रहा हूँ। हाँ, फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते थे और फिर खाना खाते थे। अभी साले वो टेबल पे बिछा देते हैं ऐसा। वो भी रात भर भी तो होता है ना। अबे तो टूट जाएगा, पैसे नहीं है, दुकान वाली कहाँ से देगा पैसे? दे देंगे क्यों, रात भर टूटा भी नहीं। वो टूटा नहीं मतलब रात भर पूजा पाठ चलती थी। अबे रात भर नहीं बे, खाने के पहले दो अगरबत्ती लगाते थे जब खाना खिलाते थे। और अभी तो वो क्या बफर कहते हैं, बफर। अभी तो काला वही हाथ से निकाले, वही से खाए। क्या राक्षस टाइप का पूछे। ओह नो, गए वही कपड़ा गीला, एक कपड़ा लचपच पूरा कपड़ा, उसी से प्लेट पूछे, नमक लिए, लाइन में लगे, भका भक दिए अंदर। हाँ। और चले, और जितना खाना है उतना खाए और बाकी फेंक। नहीं हाँ। और तो साइन तो नो, पैसे दिए दिए यहाँ पे यार, ईमानदारी से समझेंगे। नहीं पूरी बात सुन ली। दे मैं पैसे दूंगा तो मेरे को ज्यादा दे। अच्छा, तेरी कहानी मतलब ये था कुल मिला के कि दहेज पर था ये जो चोचले हैं। हाँ। ये सब बंद होना चाहिए। और क्या। yes! अबे पहले की शादियों में इतना सस्ता काम हो जाता था। हाँ। है ना, अभी साले दिखावा, नागपुर जाएंगे 500 रुपए महीने में कमाएंगे, यहाँ आके बताएंगे बाबू साहब है। सुनता ही नहीं। हाँ, बता। शादी में खर्चा कितना आता होगा भैया अभी? अभी अभी तो तू नॉर्मल रूप में करेगा तो 5-7 लाख रूपए। हाँ, अबे यहाँ कर्जा मत करे तू। हाँ बता, अभी अभी के कंडीशन में करेंगे तो अबे 5-7 लाख रुपए बस। अरे गरीब आदमी की बता रहा हूँ मैं। और पहले कितने लगता था? अरे पहले कहाँ, 20-21। ओह नो, अबे तू 10 रुपए हो गए। हाँ फिर। हाँ तो मेरे पास दे। तो बड़ा भैया देगा ना। हाँ ले 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 ले। अबो यहाँ 5-6 ठेले बचाया। अरे बता तो जल्दी बता। साला हमारा पैसा हम कोई चूतिया बना रहा है। वही बोल रहा हूँ, ये चोचले बाजी सब बंद है ना तेरी। अब मैं लचका दूंगा छोटिया। अब मुंडा खराब मत करियो मेरा। पटेल की शादी में जाना पड़े। कहाँ बे,